लेकिन उसे आगे का मार्ग नहीं मिलता था। सोचा कि जिस मालिक ने, जिस परमात्मा ने सत्प्रेरणा देकर इस एकांत में साधना करने को कहा है, अब वही मालिक मेरे को सच्चे गुरु से मिला दे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, अब परमात्मा तू जाने, तेरा काम जाने, मैं कैसा भी हूं लेकिन तेरा हूं। वो श्रद्धा के बल से एकांत में आराधना किए जा रहा। उस समय वहां के प्रसिद्ध फकीर हजरत जुनेद अपने घोड़े को नदी पे पानी पिलाने को जा रहे थे। जिस आरे से पानी पिलाने को जा रहे थे उस आरे की ओर घोड़ा मुड़ नहीं रहा था। दो चार बार लगाम को खींचा लेकिन घोड़ा उधर को आज जा ही नहीं रहा। फकीर के हृदय में हुआ कि शायद कोई घटना घटनी होगी, शायद उसका कोई संकेत होगा। चल, सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है, घोड़ा चल, तू कहीं भी चलता है। घोड़े को लगाम छोड़ दिया। घोड़ा दौड़ता 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 उसी जगह आज आके खड़ा हुआ जहां साधक साधना किए जा रहा था। हजरत जुनेद ने देखा कि वाकई श्रद्धा के बल से उस मालिक ने इस घोड़े को भी प्रेरणा करके मेरी और साधक की मुलाकात कर दी। वाह परमात्मा तेरी लीला। हजरत जुनेद ने उस साधक को आवश्यक कुछ मार्गदर्शन दिए, इस प्रकार तू एकाग्र हो, इस प्रकार तू विश्रांति ले, ध्यान करते करते उबान आ जाए तो जप कर, जप करते करते उबान आ जाए तो कीर्तन कर, कीर्तन करते करते थक जाए तो विचार कर, विचार करते करते मन उब जाए, श्वास को निहार। मतलब मन को अध्यात्म रस से भिन्न भिन्न प्रकार से सराबोर करता रहे। जैसे भोजन करते ना अपन, तो कभी दाल भात खाते हैं, फिर जरा कचुंबर खा लेते हैं, या आलू खा लेते हैं, लड्डू फुलवड़ी चबा देते हैं, जरा फरसान खा लेते हैं, ऐसा वैसा होता है तो जरा इधर देखते उधर देखते, फिर पानी का घूंट पी लेते, फिर चालू कर देते। तो जैसे इस शरीर को पोषने के लिए आप भोजन भिन्न भिन्न सामग्री से भी तृप्त हो जाते हैं, ऐसे ही अध्यात्म शरीर को पुष्ट करने के लिए कभी आपने साक्षी भाव करके निहारा अपने मन को, तो कभी श्वासों पर निगाह रखी, कभी दूर से दूर आकाश में एक टक निहारते रहे, तो कभी लेट गए श्वासों श्वास को निहारते निहारते, जैसे योगी लोग योग निद्रा में आराम फरमाते हैं ऐसे फरमाते गए, जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में विराजते हैं ऐसे ही कभी अपने पथारी पे बिस्तर पे हॉल में जहां मौका मिला विश्रांति करते गए। इस प्रकार अखा भगत ने कहा, अखा जेवो तेवो घऊनो रोटलो। कभी भाखरी बना के खाते हैं, कभी चपाती बना के खाते हैं, कभी परोठा बना के खाते हैं, कभी गुड़हाड़ी ठाए खाए हुई है, कदे लोला ठाए बन, कदे टिक्कियों, कदे कुनड़ा, कदे बेड़ियों, पर आए मड़े कणक जी सामग्री है, सब लोट की लीला। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार से उस पर ब्रह्म परमात्मा की उपासना जो करता है तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम होने लगती। तो साधक और साध्य के बीच की दूरी कम करने की कला सिखाने वाले जुनेद ने घोड़े पर रवाना होते समय उस साधक को कहा कि मैं बगदाद में फलानी जगह पर रहता हूं और आगे चलते हुए तेरे को कहीं अड़चन हो जाए तो ये अमुक अमुक जगह पर आकर तुम पूछोगे हजरत जुनेद कहां रहते हैं तो लोग मुझे तुझे बता देंगे, मार्गदर्शन में कहीं अड़चन हो तो तू मेरे पास आ जाना। उस श्रद्धालु साधक ने कहा कि महाराज क्षमा करें, मैं पूछाता पूछाता बहिर्मुख होकर तुम्हारे गांव पहुंचूं, इसके बजाय
जिस परमात्मा ने तुम्हारे घोड़े का रुख बदल दिया, क्या वो दोबारा तुम्हारे घोड़े को इधर नहीं ला सकता है? श्रद्धा में बड़ी शक्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर तत्परता होनी चाहिए। श्रद्धा तो है लेकिन तत्परता नहीं होगी तो साधन छूट जाएगा। साधन में तत्परता, अगर साधन में तत्परता नहीं तो मन फिर और कुछ धंधे में ले जाएगा, पुण्य नाश करा देगा, जीवन खोखला हो जाएगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो जायते, पुण्यों की कमी होती है तो अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने अखंड स्वरूप में विश्वास नहीं होगा, अपने अजर और अविनाशी स्वरूप में विश्वास ही नहीं होगा, अपने देह में ही विश्वास हो जाएगा। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। तो पुण्यों की कमी होती है, श्रद्धा की कमी होती है, तत्परता की कमी होती है, उसीलिए रास्ता लंबा लगता है। चातक मीन पतंग जब पिया बिन नहीं रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिल भर में घर न करे। लेकिन हम आवश्यकता समझते हैं संसार की और प्रेम करना चाहते परमात्मा से, अथवा तो आवश्यकता समझते हैं परमात्मा की और प्रेम करते हैं संसार से, इसीलिए हमारे दो नावों में पैर आ जाते हैं। हकीकत में आवश्यकता भी परमात्मा पाने की है और प्रेम प्रेमास्पद भी परमात्मा है। ईश्वर के सिवा और कहीं भी प्रेम किया तो अंत में ठोकर खाना ही पड़ेगा। ईश्वर के सिवाय और कहीं भी सत्य बुद्धि की, ईश्वर के सिवाय और कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। जाल मुंजिया है, पत्नी मेरी है, तू कह दे बाहर से, अंदर से समझ ले कि ये सब सपना है, खेल है। पत्नी मेरी है, पति मेरा है, पुत्र मेरा है, पुत्रियां मेरी है, वो धी ले जाएंगे जमाई, वो सरदारों, वो धी ले जाएंगे जमाई और बेटे ले जाएंगी बहू और देह लाए जाएगी मौत। तड्डा तो वो करतार अकाल पुरख है, वो सरदारा तुसी सुनो। देरों तो नाथी खड़ी मिंदव है, दी तो लड़की तो जमाई ले जाएंगे और बेटा ले जाएगी बहू, शरीर ले जाएगी मौत। इस देह के आठ भागीदार हैं, माता पिता पत्नी स्वामी जिसकी नौकरी करते हैं, अग्नि अगर गाड़ दिया तो सियाल बैक्टीरिया और कुत्ते, इस देह के तो आठ ही भागीदार, लेकिन तुम्हारा कोई भागीदार नहीं।